हेलो गाइस, कारपेंटर कनाल में आपका स्वागत करते हैं। आज आपको दिखाने वाले हैं मॉडर्न किचन। ये मॉडर्न किचन है। आज आपको दिखाएंगे कैसे इसमें हमने क्या क्या लगाया है, कैसे बनाई है, और वीडियो पे प्लीज़ बने रहें। और ये मॉडर्न किचन फुल मॉडर्न किचन है, इनोटेक किचन है। और इस पर हमने एक्रेलिक सनमाइका लगाई है, सारी ऊपर एक्रेलिक सनमाइका लगा दिया है। वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखें पूरा। और वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें पूरी, आगे देखें वीडियो। और अभी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे हमने ये किचन तैयार की है। और ये पेंट्री और डोर यूनिट और इसमें लिफ्टर और मैजिक कॉर्नर भी, सभी प्रकार का सामान लगाया है। फुल मॉडर्न किचन है, इनोटेक किचन है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो ये आपको दिखा रहे हैं मॉडर्न किचन। ये मॉडर्न किचन, सबसे पहले आपको बताऊंगा मॉडर्न किचन का साइज। ये 12-15 की किचन है, 12 फुट और 15 फुट की किचन है। और ये फुल मॉडर्न किचन है। और अभी आपको दिखाएंगे इसमें हमने क्या क्या लगा दिया है और कैसे लगाया है। और ये प्रोफाइल मॉडर्न किचन है और अक्रेलिक सनमाइका किचन है। और ऊपरले बक्सों का साइज, इसका स्टैंडर्ड साइज 27 इंच का होता है, इसका स्टैंडर्ड साइज 39 इंच का है। और इसमें चिमनी भी 3 फुट की लगेगी, चिमनी बड़ी 3 फुट की लगेगी। और इसमें हमने पेंट्री से लेके लिफ्टर और हिपले का लिफ्टर और इसमें मैजिक कॉर्नर और जीपीटी वगैरह सब लगाया है। और ये दिखा देते हैं आपको जीपीटी, ये जीपीटी है। और इसमें हमने 3 बास्केट लगा दिए हैं, 3 बास्केट लगा दिए हैं, आम 2 लगती हैं, इसमें हमने 3 लगाई है। और ये दिखा देते हैं, ये आरओ के लिए दे दिया है, ये आरओ का खाना है। ये आरओ का खाने का स्टैंडर्ड साइज 18 इंच होता है, हमने इसका 20 इंच रख दिया है। और ये हमने पल्ला लगाया है, नीचे प्रोफाइल के लिए छोड़ दिया था। और ये जोड़ी लगा दी है हमने। और इसमें हमने 2 स्लैब डाल दिए हैं और 3 इसके खाने हो गए हैं, 3 डिवाइडर हो गए हैं, क्योंकि इसकी हाइट 39 इंच की है, हाइट 39 इंच। ये दिखा देते हैं लिफ्टर, ये लिफ्टर होता है, हिपले का लिफ्टर है। ये 27 इंची में ही लगता है, 27 इंची बक्से में लगता है। उसके ऊपरली साइड हम इस पर पल्ला लगा देते हैं एक्स्ट्रा से। और ये हमने चिमनी की जगह छोड़ दिया है, 3 फुट की चिमनी है। और उसके साथ में हमने पल्ले में सिंपल सोकर के लिए जगह छोड़ दी है और एक ऊपर कान छोड़ दिया ओपन। और ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर कोने से दोनों साइड से आप इसको यूज कर सकते हो, दोनों साइड के। आपको पल्ले को दिखा देते हैं खोल के, ये दोनों साइड से आप इसको किसी दर से भी यूज कर सकते हो। ये दोनों साइड का हमने कॉर्नर बना दिया है और कॉर्नर बना के ही हमने यहाँ पे लगाया है ऊपरली साइड। और ये भी ऊपर उठने वाले सिंपल सोकर लगेंगे, हैटिक के सोकर लगेंगे, सिंपल सोकर हैटिक वाले। और ये आपको दिखा रहे हैं पेंट्री, ये पेंट्री का पल्ला डोर है। और इसमें अभी फिटिंग लगानी बाकी है, ये ऐसे ही हमने अभी पेंडिंग रख रखा है। इसका पल्ले पे एक्रेलिक सनमाइका लगा दिया है। और ये दिखा देते हैं, ये इनोटेक ड्रॉर है और ये राइस चावलों के लिए होता है, बड़ा ड्रम रखने के लिए। और ये दिखा देते हैं, इसमें हमने मैजिक कॉर्नर लगाया है, न्यू मैजिक कॉर्नर है। और ये सबसे महंगी आइटम है मैजिक कॉर्नर, इसकी फिटिंग अभी इसमें रखनी बाकी है। ये ऐसे इधर उधर होके लग जाता है और दोनों साइड हो जाता है, बाहर निकल के इधर हो जाता है। और ये लिफ्टर, ये दिखा देते हैं बोटल प्लाउट, ये बोटल प्लाउट 6 इंची, 8 इंची, 4 इंची का होते हैं और ये रेडीमेड होते हैं। और ये कटलरी है, ये कटलरी है, इसके ऊपर अभी कटलरी रखनी बाकी है। ये छोटे चमचों के लिए होती है, 4 इंच की कटलरी होती है। और ये 6 इंच की नीचे इनोटेक चैनल लगा दिया है और ये नीचे 8 इंच की लगा दिया है इनोटेक चैनल। और इसमें आप डब्बे प्लेट वगैरह कुछ भी रख सकते हो। और ये दिखा देते हैं, ये है ग्रीन ट्रॉली, आटे की ट्रॉली, इसके ऊपर रोड लगेंगे अभी। और ये आटे की ट्रॉली के ऊपर दे देते हैं हम चकला बेलने के लिए, इसमें चकला बेलना आप रख सकते हो। और ये साइड में हमने 2 खाली पार्टीशन कर दिए हैं, ऊपर तक के छोड़ दिए हैं, इसमें आप बड़ा सामान रख सकते हो, कुछ भी बड़ा आप इसमें सामान रख सकते हैं।
ड्रम वगैरह, और ये छोटी ड्रॉर हमने इसमें दे दिया है सिंक के साथ में। सिंक के साथ में हमने छोटी ड्रॉर दे दिए, इनोटेक ड्रॉर है ये भी, इनोटेक ड्रॉर हैं। और ये सिंक के नीचे के पल्ले हैं, ऊपर तक के पल्ले ही बनाए हैं, नीचे नीचे तक पल्ले नहीं बनाए हैं, सिमेट्री सेम दिखाई है। और ये प्रोफाइल किचन है, नीचे से हमने आपको सारी किचन दिखा दी है, ऊपर से भी हमने आपको सारी किचन दिखाई थी। और ये सारी किचन मॉडर्न किचन है, और इसमें नैनो वाइट पत्थर लगा हुआ है, वाइट नैनो वाइट पत्थर है। और किचन ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें, अगर चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्रेस करें बेल आइकन को, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। और ये किचन कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बताएं, कैसी किचन है, अच्छी या बुरी। और ये दिखा देते हैं, ये हमने फ्रिज की जगह छोड़ दी है नीचे, और इसमें ऊपरली साइड हमने इसमें दो पल्ले लगा दिए हैं, खुलने वाले सीधे पल्ले, और ऊपरली साइड एक पेंट्री के पर हमने एक उठने वाला पल्ला लगा दिया है, उस पर सोकर लगे हैं। और ये आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, हमने किचन सारी फाइनल कैसे कर दी, शॉर्ट वीडियो बना देंगे इसकी अगली वीडियो। और ये सारी किचन बहुत ही अच्छी और बड़ी किचन है, और आपको भी ये अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक कमेंट करें। अगर चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। थैंक यू, नमस्ते।